दिल को तुमसे प्यार हुआ। डॉक्टर साहब, इतना तो मैं कर ही सकती थी। आप तो सब कुछ ही कर सकती हैं, लेकिन मुझे भी तो कुछ करने का चांस दीजिए। शायद मेरी वाली खुश हो जाए। तो आपकी वाली को खुश करके आपको क्या मिलेगा? मिलेगा ये मिलेगा। टीवी आपने क्या पहना? आपको पता है, कभी कभी ना मैं आउट हाउस को बहुत मिस करता हूँ। अब आई। वाओ भाभी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। आप दोनों रेडी हो तो चलें? या ऑफ कोर्स। मैं और तुम्हारी भाभी अकेले रूम में क्या ही करेंगे। चल। नमस्ते पारुल आंटी, आप पहुंच गई क्या? हॉस्पिटल क्यों? What? कब? नहीं नहीं आंटी, आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है। मैं अभी किसी को कहता हूं आपको वो। जी ठीक है, मैं ही आता हूं। या ओके ओके, टेक केयर। आप अभी हॉस्पिटल जा रहे हो? एकदम से क्या हो गया? पारुल आंटी का फोन था सलोनी। दीपिका जी, वो माँ की बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें चेस्ट में पेन हो रहा है। मुझे एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। अगर कुछ सीरियस हुआ तो उन्हें एडमिट भी करना पड़ सकता है। ओह नो, पारुल आंटी। अन सलोनी सुन, माँ को कुछ भी मत बोलना, माँ बेकार में परेशान होंगी। मैं पहुँच के चेकअप करने के बाद तुम लोगों को कॉल करता हूँ। आप आराम से जाइए, मैं और सलोनी चले जाएंगे। चलिए सलोनी, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आपके बारे में एक बात नोटिस की। आपने हमसे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल किए, लेकिन ये नहीं पूछा कि हमने मिस निकिता को हमारा ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया। हम खुद जवाब दे देते हैं, क्योंकि खूबसूरती खुद हर सवाल का जवाब है। हमारे ब्रांड को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमें एक चेहरे की तलाश थी, और तब हमें निकिता मिली। एक और सरप्राइज ये भी है कि निकिता सिर्फ ब्यूटी बाय लावण्या मित्तल कॉस्मेटिक्स की ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बल्कि हमारे घर का हिस्सा भी बनने जा रही है। और अब आज की शाम का आखिरी सरप्राइज। अब आप सबको हम जिससे मिलवाने वाले हैं वो बहुत खास है। उसके जैसे किसी को किसी ने हमारे ब्रांड के साथ इन 25 सालों में कभी नहीं देखा। लेकिन आज देखेंगे, क्योंकि हमने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। दीपिका,